और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इराक सीरिया में हो रहे हैं लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले, और एक और बड़ा हमला। पेंटागन ने अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमले पर रिपोर्ट जारी की है। 30 दिनों में अमेरिकी ठिकानों पर 55 बार हमला हुआ है, ये खुद पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया। और जो ताजा हमला हुआ है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो अमेरिका पर हमले हो रहे हैं, हालांकि अमेरिका ने वॉर्न भी किया है इन हमलों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका को इस फ्रंट पर एंगेज करके विश्व युद्ध 3 की ललकार है क्या? आइए इसको समझते हैं। तो अमेरिका पर प्रहार, विश्व युद्ध 3 की ललकार, 30 दिन। यूएस पर कितने हमले हुए? 55 हमले हुए यूएस बेसिस पर। इराक में 27 हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा सीरिया में 28 हमले हुए। सैनिक कितने घायल हुए? कुल 59 सैनिक घायल हुए हैं अमेरिका के इन हमलों में। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जंग के बीच ईरान की बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है। जेलों में बंद कैदियों को फांसी दे रहा ईरान। 24 घंटे में 9 लोगों को फांसी दी गई है। जंग के बीच अभी तक 114 लोगों को दी गई है फांसी। तो ये जानकारी जो सामने आ रही है ईरान से, जंग के बीच ईरान की बड़ी साजिश जिस पर खुलासा हो रहा है। जेलों में बंद कैदियों को लगातार ईरान की तरफ से फांसी दी गई है, और बीते 24 घंटे की बात करें तो 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। तो जंग के बीच आखिर ये क्या हो रहा है, क्या है ये साजिश? रईसी की किलिंग मशीन ऑन। इसराइल हमास युद्ध के बीच बड़ी साजिश रची जा रही है, आपको इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो रईसी की किलिंग मशीन ऑन, जेलों में बंद कैदियों को फांसी दे रहा ईरान। जो जानकारी सामने आ रही है, ईरान 40 दिनों में 114 लोगों को फांसी दे चुका है। अभी तक की इंफॉर्मेशन यह है, ईरान जंग के चलते दुनिया के बदले फोकस का फायदा रईसी की तरफ से उठाया जा रहा है। इस साल अभी तक 649 फांसियां हो गई हैं, 8 साल में सबसे ज्यादा है ये। तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कैसे गुपचुप तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद फांसी की संख्या में तेजी के साथ ईरान में इजाफा हुआ है, ताकि पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु जहां इस वक्त इसराइल वर्सेस हमास युद्ध बना हुआ है, इन सब के बीच ईरान ये सब कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताया, अल शिफा में इसराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हमले में हमास के 5 लड़ाकों की मौत हो गई है, IDF का यह दावा। अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर है, अस्पताल में मौजूद कमांड सेंटर को तबाह किया गया। डॉक्टर मरीजों से कोई झड़प हालांकि नहीं हुई, यानी जो क्लेम IDF की तरफ से अल शिफा पर हमला करने से पहले किया गया था कि हम हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमास ने अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ है, तो अब इसी पर दावा भी IDF कर रहा है कि 5 लड़ाके हमास के मारे भी गए। अब आप इसको समझिए, ऑपरेशन अल शिफा टाइमलाइन को हम आपको समझा रहे हैं, फटाफट पूरी जानकारी। 1 बजे क्या हुआ, IDF ने अस्पताल को एक्शन की पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद 1:15 पर अस्पताल की जो संचार सेवा है, कम्युनिकेशन लाइन को पूरी तरह से काट दिया गया। 1:30 IDF मेडिकल कॉम्प्लेक्स की गेट पर पहुंच गई इजरायली सेना। 1:45 पर अस्पताल के पश्चिमी हिस्से से कार्रवाई इजरायली डिफेंस फोर्स ने शुरू किया। और फिर 2 बजे क्या हुआ, यानी 1 घंटे के बाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ फायरिंग हुई है, जो IDF ने किया। 2:45 पर अस्पताल के DG का बयान आया, IDF के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। हमास ने कार्रवाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, 3 बजे हमास की तरफ से कहा गया। तो लगातार हमारी वॉर कवरेज जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।